अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वजीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो दो चीजें मैंने आपके सामने क्लियर करनी है। सबसे पहले FATF के हवाले से आप सारे आवाम को पता है कि 9/11 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल लेवल पे एक सबसे क्रूशल और सबसे बड़ा जुर्म जो है वो कंसिडर किया जाता है। और फिर 9/11 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सारी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जो अदारे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तमाम ममालिक के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाने को अप्रिशिएट कर रही हैं, बकअप कर रही हैं, पुश कर रही हैं कि तमाम ममालिक जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जाना अपने कानून साजी करें। और उनका ये ख्याल है कि दुनिया के अंदर जितनी दहशतगर्दी होती है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में आया वो भी बुनियादी तौर पर 2007 से लेके 2018 तक जो इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की जो हुकूमतें थीं और वो मिसाके जमहूरियत जिसे मैं राधा आओ मिल के खाएँ आधा आधा वाला सिस्टम कहता हूँ उसके तहत इतनी रच के लूटमार की गई। और फिर उसके बाद एयान अली की तरह की बहुत सी अदाकाराएँ फनकाराएँ और फिर जनाब ताफी भट्ट की तरह के बहुत से ऐसे करेक्टर एक्टर जो सामने आए कि जो पाकिस्तान की इन दो बड़ी पार्टियों के फ्रंट मैन के तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े भी गए। और फिर ये पूरा इंकशाफ हुआ कि किस तरह हमारी ये दो पार्टियाँ जो बड़ी हैं स्पेशली और इनकी लीडरशिप जो ख़ानदान है आले शरीफ और आले जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब बिलावल जरदारी साहब ये किस किस अंदाज से यहाँ से लूट मार का पैसा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और उसी की बुनियाद पे फिर पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल हुआ। अब इनके हाथों की लगाई हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब PTI की वफाकी हुकूमत और हम लोग दांतों से खोलने लगे हुए हैं हर शोबे ज़िंदगी के अंदर। इस ग्रे लिस्ट से निकालने की भी जो जिद्दोजहद है उसके अंदर हम अल्लाह पाक के करम से कामयाबी के करीब हैं। और FATF की तरफ से एक रिक्वायरमेंट थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से 2010 का जो आपका कानून है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, सिंक्रोनाइज किया जाए, इफ़ेक्टिव किया जाए और मजबूत किया जाए, उसके अंदर तरामीम की जाए। और उसी ग्रे लिस्ट से निकलने के जो प्री रिक्विजिट्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनके मुतालबात हैं उनमें से एक मुतालबा ये भी था कि आप इस कानून के अंदर अमेंडमेंट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत से उनकी रिक्वायरमेंट्स को अल्लाह पाक के करम से पूरा कर दिया। अब ये वाला मुतालबा पूरा करने के लिए कौमी असम्बली के अंदर हमारे पास सादा अक्सरियत थी, हमने बिल पास करवा लिया। लेकिन कल जब यही बिल सेनेट के अंदर पेश हुआ तो बिलावल जरदारी साहब के जो लिखी हुई प्रॉम्प्टर की लिखी की तकरीरें जो है वो करने के बड़े माहिर हैं वही शहबाज शरीफ साहब जो हबीब जालब के शेर और जनाब बड़े माइक इधर उधर करके और बड़ा जनाब थरक के फड़क के जनाब मुल्क और कौम को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाने के ऐलान करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर शो करते हैं ये लीडरान, इन्होंने रियासत को मुकदम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान को मुकदम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर को मुकदम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को मुकदम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान की बका को मुकदम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को मुकदम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर के अंदर जो मुल्क दुश्मन ताकतों की साजिशें हैं उनको काउंटर करने को मुकदम नहीं रखा। इन्होंने मुकदम रखा कि जो खुद की इनकी खरबों डॉलर की लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई थी और उसके जो केसेस चल रहे हैं उसको इन्होंने मुकदम रखा कि हम ना फंस जाएं, हम ना फंस जाएं, अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता। आज इन्होंने कल इन्होंने ये साबित किया कि हमारा बन जाए, हम बच जाएं, हम कानून के शिकंजे में ना आए, हम मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस और रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से जो हमारी सारी लूटमार पकड़ी गई है
वो हम उससे बच जाए। पाकिस्तान का जो होता है हो, रियासत का जो होता है हो, पाकिस्तान की आवाम का जो होता है हो, ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक एटीट्यूड, बिहेवियर, जेस्चर था जो कल आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने दो खानदानों की सरबराई में, आले जरदारी और आले शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में और बिलावल जरदारी साहब की क्यादत में जो कल किया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में की तारीख के अंदर स्याह अल्फाज के साथ हमेशा हमेशा के लिए लिखा गया है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं अक्सर ये जनाब डायलॉग सुनाता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कप्तान हैं, बाय बर्थ कप्तान हैं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को एक कप्तान की हैसियत से विक्ट्री स्टैंड में खड़ा करने की ख्वाहिश और जेस्चर और हिकमत अमली और डिटर्मिनेशन ले के हमेशा जो है वो अपने आप को मूव किया है। इंशाल्लाह इसमें भी हम सुरखरू होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क्यादत में, और FATF की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम इसका नेक्स्ट लायामल बनाएंगे और इंशाल्लाह ये कवानीन सारे पास होंगे। दूसरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, परसों जनाब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं बाएं अपने सारे हवारी पटवारी बिठाए हुए थे, सारे के सारे जना जिसको आप जनाब पकड़ते वही सुरख था, वो जनाब सारे नैब की अदालतों के जनाब चक्कर लगाने वाले अपने अपने दौर में अपने लीडर की आशीर्वाद के साथ खरबों डॉलर की लूटमार करने वाले सारे तुरम खान थे। वहाँ बैठ के उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का सवाल हुआ और उनको वापसी के हवाले से जो जमानत उन्होंने दी थी, ये मैं अभी सारे TV चैनल्स के इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स तीनों सेंड कर दिए आपको, ये साथ साथ चलाएं ज़रा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को पता चले कि ये साहब बहादुर कितने बड़े झूठे हैं और झूठों के कितने बड़े IG हैं। ठीक है जी, इन्होंने इससे पहले भी बड़े लंबे लंबे झूठ बोले हुए हैं, वो भी हल्का फुल्का मैं तस्कीर के तौर पे आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये जो इन्होंने U-turn की सुपरलेटिव डिग्री, U-turn की अगली डिग्री होती है V-turn और उससे अगली डिग्री जो है ना, ये मैंने ये सारी डिग्री आपके सामने जनाब आपके लेके आ रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, वो होती है W-turn। शहबाज शरीफ साहब ने U-turn की सुपरलेटिव डिग्री W-turn जो है ना परसों लिया, सारों के सामने कहते जी केड़ी जमानत, मैंने कौन सी जमानत दी है, मैंने तो कोई जमानत नहीं दी जनाब अपने भाई को जनाब बाहर भेजने के वाले से। ये है इनके हाथों की लिखी हुई तहरीर, हाथों की, जो अदालत के अंदर बैठ के, और सारी पाकिस्तानी कौम जानती है कि जब हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो सारे TV चैनल लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग कर रहे थे कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब अदालत के अंदर जनाब वजीर जनाब वकील सफाई ने ये कहा, वकील इस्तगासा ने ये कहा, एंड में आके जनाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा क्या था, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा था कि अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर जो करप्शन की अमाउंट है उसके मुताबिक 7 अरब 20 करोड़ रुपए का इनसे जनाब जमानत ली जाए, 7 अरब 20 करोड़ रुपया। लेकिन उस मौके पे अदालत आलिया का फैसला था, हमारे लिए काबिल एहतराम, हम तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के और PTI के विजन पे चलने वाले लोग हैं, अदालतें जो फैसला करें, इत्साबी अदारे जो फैसला करें सर आंखों पर। उन्होंने कहा नहीं जी, शहबाज शरीफ साहब आ गया है, उनका जनाब 7 अरब 20 करोड़ की लोड़ है, मैं है ना, मैं देता हूँ जनाब, फटोफट जनाब उन्होंने ये तहरीर लिखी जनाब, ये किसी फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें अगर ये उनकी तहरीर नहीं है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने कहा जी आप इसको स्टाम्प पे लिख के दें, स्टाम्प के ऊपर जनाब ये स्टाम्प इस वक्त चल रहा होगा TV चैनल में, तमाम TV चैनल्स पे आज सारा दिन चलेगा, तमाम TV चैनल के शोज में भी चलेगा। ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का ये एफिडेविट है, ये आगे से मियां नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, मन झाड़ दो तो मैं वापस आ जाऊंगा, जाना ये दोनों भाई, एक IG दूसरा DIG झूठों का, ठीक है ना जी, कहते हैं जी मैंने गवाही नहीं दी, वो खुदा के बंदो ये 21वीं सदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सदी है, सोशल मीडिया की सदी है, इसमें चीज छुपती नहीं है,
मैं अक्सर एक मुहावरा सुनाता हूं, यू कैन चीट एंड डिसीट एंड डिसीव इन समवेयर इन सम टाइम इन सम प्लेस बट यू कैन नॉट चीट एंड डिसीट एंड डिसीव एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। हर किसी नु हर जगह जाना धोखा देना तो चूना लाना छोड़ दो। नवाज शरीफ साहब, बेगम सफदरवान साहिबा, आपने अदालत के अंदर झूठ बोले, जाली डॉक्यूमेंट पेश किए। आपने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोले, जाली पार्लियामेंट जाना डॉक्यूमेंट पेश किए। आपने नैब के सामने झूठ बोले, जाली डॉक्यूमेंट पेश किए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, झूठ बोले, जाली डॉक्यूमेंट पेश किए। और परसों तो जनाब आपने अंति डाल दी। आपने सारी दुनिया अभी ताजा ताजा, यार कोई इतना भी दूर नहीं, इतनी भी कि पाकिस्तान की आवाम का हाफजा कमजोर नहीं है, ये 8-9 महीने पहले की बात है। सारी पाकिस्तानी कौम ने देखा था, यार मियां शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए के जनाब एफिडेविट के ऊपर जमानत दी थी कि मैं वापस लाऊंगा, जनाब बेगम रहे। और उस मौके पर मुझे याद है मैंने 3-4 दिन टीवी चैनलों पर एक इसके ऊपर जो लतीफा भी सुनाया था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की जमानत दे रहे हैं, करप्शन के वाले से एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। और मैंने कहा था वो एक दफा एक बंदे को एक की जगह दो दो नजर आने की ना वो बीमारी थी, वो डॉक्टर के पास गया, कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक ही जगह दो दो दिखते हैं। डॉक्टर कहता है तुम तीनों को यही बीमारी है, डॉक्टर को एक ही जगह तीन तीन नजर आते थे। अब नवाज शरीफ साहब की गवाही उससे बड़ा करप्ट, उससे बड़ा बददयानत, उससे बड़ा जना JIT और रेफरेंसेस और FIRs और इल्जाम और जराइम की रोशनी में उससे बड़ा करप्ट मंजूर पापड़ वालों से जो है वो ज़कात देने वाला, मंसूर मसरूर अहमद से ज़कात देने वाला, आपका जनाब निसार गिल से ज़कात देने वाला, आपका जनाब मुश्ताक चीनी से ज़कात देने वाला, आपका शराफत मसीह से जनाब ज़कात देने वाला, ये जो नाम लिए हैं और इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं, ये वो लोग हैं जो लाहौर से बाहर काला शाह काकू से आगे नहीं गए होंगे। 10-10 हज़ार की तनख्वाह के मुलाजिम थे इनके, लंदन से इनके लिए करोड़ों अरबों रुपए जनाब अली इमरान साहब के अकाउंट में, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में, मोहतरम सलमान शहबाज साहब के अकाउंट में, मोहतरम हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में, वो करोड़ों रुपए भेजा करते थे, अरबों डॉलर, और 10 हज़ार के मुलाजिम थे। और फिर भी जनाब इनकी सूरत हाल ये है कि जनाब इन्होंने कहा जी मैं गवाही देता, तो ये एक करेला दूसरा नीम चढ़ा उसके मजाक गवाही दी, लेकिन परसों मुकर गए और अटेस्टिफाइड रेक्टिफाइड वेरीफाइड प्योरीफाइड अपने आप को झूठा फरेबी और धोखेबाज जो है वो परसों साबित कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। और मैं ये समझता हूं आखिरी चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो एक दो वकला से मशवरा किया राय ली कि यार अब नवाज शरीफ साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने दो रखे हैं ये अदालतों के पास भी हैं, एहतसाबी इदारों के पास भी हैं, सारी दुनिया के पास हैं, अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी इन दो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो आपने गवाही दी है। और आगे से जनाब हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, अक्सर ये शेर सुनाता हूँ, ऊपर से मुकर भी रहे हैं। तो जनाब मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपके लिए अच्छा यही है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह गुलेरी की तरह भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जनाब जहाज पर सवार हुए थे ना, याद है ना जब वो जा रहे थे, उसी तरह गुलेरी की तरह भागते हुए पाकिस्तान आ जाएँ, इसी में उनकी जनाब बेहतरी है और इसी में उनकी सियासत, उनके माश, उनके कारोबार, उनकी इज्जत का भला है। बहुत शुक्रिया। पहले पहले इसके बाद आप पहले ये उसके बाद आप चलो ये ऐड कर लो।
सारे पुछ लो पहले फिर इकट्ठे जवाब दे नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा जी अच्छा आप सुन लें जवाब सुन लें आप सली से उसके बाद जनाब जिशान साहब पूछेंगे फिर कजाफी भट्ट साहब पूछेंगे फिर आप भी पूछेंगे। अच्छा जी इस तरह है कि आपने कहा कि क्यों ज़रूरी है। देखें ये 21वीं सदी है ये कानून की इंसाफ की आइन की सोशल मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एथिक्स की वैल्यूज़ की ये वो सदी है ना। बनाना रियासत यहाँ कोई भी नहीं बन सकता कोई मुल्क कोई माशरा बनाना रियासत नहीं बन सकता। अदालत का एक मुजरिम है मुलजिम नहीं है इसहाक डार साहब भी मुलजिम है मुजरिम नहीं है वो तो मुजरिम है सजा याफ्ता है। जब सजा याफ्ता है तो अब वो चले गए बाहर। एक दोस्त ने सवाल पूछा कि जनाब उसमें डॉक्टरों का भी बीच में लिखा हुआ है। बिल्कुल जनाब लिखा हुआ है लेकिन मुझे एक चीज बताएं 9-10 महीने हो गए हैं हजरत बाऊजी नवाज शरीफ साहब ये पिछले 10 महीनों में लंदन में कैफेज में गए रेस्टोरेंट्स में गए टिक्का कबाब खाया जनाब बर्गर खाए पिज़्ज़ा खाया कोविड-19 के एक सीवियर माहौल के अंदर काबिल एहतराम उनका कोई जनाब पोता पोती साथ मास्क लगा के बैठी है। ये इतने दिलेर थे इनको इतना एतमाद था अपनी सेहत का अपनी सेहत के ऊपर अपने पूरे अंदर के पूरा जो इम्यूनिटी सिस्टम था उसके ऊपर इतना ईमान था उनका कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मुझे तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है लंदन के माहौल के अंदर। और ये आज से 3 महीने पहले जब हर रोज हजारों लाशें गिर रही थी वहां पे लंदन के अंदर उन्होंने बगैर मास्क के बैठे इसका मतलब उन्हें पता था कि मैं बिल्कुल ठीक सब कुछ किया। वहां से मौलाना फजल रहमान साहब को फोन भी किया बिल्कुल वैसे ही नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाते मैं आया। कहते हैं पेशियों पर नहीं जाना नैब की जेल भरो तहरीक शुरू करो दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत 10 बहाने करके ले गया दिल के मजदाक खुद तो बाहर भागे 10 बहाने करके और वहां से बैठ के फूले कर रहे हैं अपोजिशन वालों को आंखों देखा जहर खाने के लिए कह रहे खाओ जहर। कहते हैं पेशियों पे नहीं जाना जेल भरो तहरीक शुरू करो ये भी काम उन्होंने वहां किया। तो जनाब अगर जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो नवाज शरीफ साहब पहले आप आए जेल भरें हुसैन नवाज साहब को भेजें जेल भरें हसन नवाज साहब को भेजें जेल भरें अली इमरान साहब को भेजें जेल भरें सलमान शहबाज साहब को भेजें जेल भरें इसहाक डार साहब को भेजें जेल भरें। होते जनाब मिठी मिठी ठंडी ठंडी वहां तो जनाब मौलवी फजल रहमान नु जनाब कहो जी के जहर खाओ मौलाना फजल रहमान भी जनाब हलवा खाएंगे जहर नहीं खाएंगे डॉलरों का हलवा यूरो का हलवा जनाब चंदों का हलवा तहरीक चलाने की सूरत में इधर से आले जरदारी से जनाब डोनेशन का हलवा इधर से जनाब आले शरीफ से जनाब डोनेशन का हलवा वो जहर नहीं खाएंगे। तो जनाब आपने अपोजिशन से फोन भी किए सही लेकिन क्या नहीं किया किया इलाज नहीं करवाया अस्पताल में एडमिट नहीं हुए डॉक्टर्स के पास एडमिट नहीं हुए आपकी जो प्लेटलेट्स का इशू था उसको एड्रेस नहीं किया और जो एफिडेविट और जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उस पर लिखा था कि ये जो 8 हफ्ते आप जा रहे हैं उसमें आप हर 15 दिन बाद पंजाब हुकूमत को ऑथेंटिक हस्पताल के ऑथेंटिक डॉक्टर और फिजिशियन की 15 रोज़ा रिपोर्ट भेजेंगे पंजाब हुकूमत को और पंजाब हुकूमत फिर अदालत के सामने पेश करेगी और जब आपका ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो फिर आखिरी रिपोर्ट को देख कर पंजाब हुकूमत मेडिकल बोर्ड के जो मुसलसल उनको देखता चला आ रहा था उसकी आरा की रोशनी में फैसला करेगी और अदालत को रिकमेंडेशन भेजेगी कि इनकी जमानत को एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए। जनाबे वाला रत्ती बराबर इन्होंने कख तोड़ के दो नहीं किया इस पूरे इशू में तो आप बताएं फिर क्या करें। जी विशाल साहब ये बताइएगा कि क्या हुकूमत और हुकूमती इदारे प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियर कट कह दिया और फेडरल कैबिनेट ने भी नवाज शरीफ को लाया जाए किस हद तक सीरियस है हमको लाने
लिए क्या अमली इकदामात किए जाएंगे और क्या उन लोगों पर भी हुकूमत पंजाब चेक एंड बैलेंस करेगी जिन डॉक्टर्स ने इतनी संजीदा रिपोर्ट बना के भेजी कि एयरपोर्ट पहुंचते ही उस रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स नतज नजर आए। ये भी ऐड कर ले मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात आपने कब करवानी है, आधे मिनिस्टर आप ये कह रहे हैं वो जाली थी रिपोर्ट्स और सुबह मिनिस्टर जो आपकी वो कह रही है रिपोर्ट जो थी मेरे सामने बनी। अच्छा एक खवातीन की तरफ ही ले लें। हाँ फातिमा आपने मेरे को पूछा तो पूछ लो यार, इसके अलावा कोई बैठी हुई है यहाँ पे हर दफ़ा जाना बाकी हाँ हाँ चलो हाँ जी कोई और ऐड करना किसी जी आप सारों को ठीक हो गया। अब ये जी सारे क्वेश्चन सारे दोस्तों को हो गया, आखिरी क्वेश्चन इसके बाद बट साहब का होगा ठीक है जी, और मोहसिन साहब का और बट साहब का दोनों का होगा। अच्छा जी सुबह वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फैज़ुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने लंदन में इलाज नहीं कराया, हस्पताल दाखिल नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान डॉलरों का हलवा खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो पहले नवाज शरीफ आएँ।